एमसी के बारे में हमेशा की तरह जितने भी कोर्सेज का वीडियो बनाया है मैंने, आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। इस वीडियो में मैं पूरा अप टू डेट अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, सुन के मज़ा आएगा, और इसके बाद कोई भी एमसीए का वीडियो आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, एटलीस्ट जो चीज़ें यहाँ पर लिखा है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बेसिक चीज़ें बहुत सारे को पता नहीं होगा, पता होगा तो पूरा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगा। अबाउट द कोर्स बात करेंगे, फ्यूचर स्कोप बात करेंगे, आसान है या डिफ़िकल्ट है, सैलरी कितना मिलेगा, पैकेज कितना मिलेगा, सिलेबस क्या हिसाब की तरफ है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, दोनों चीज़ हम बात करेंगे। हम बात करेंगे प्राइवेट के बारे में भी और अपन बात करेंगे सरकारी के बारे में भी। विल टॉक बोथ द साइड्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक, जो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा बहुत कुछ जानने के लिए। टोटल अभी सीट्स जो है एमसीए का, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है एनआईटी, है ना, आईआईटी वालों ने ड्रॉप कर दिया है एमसीए को। 2016 लास्ट कोर्स था एनआईटी के, बहुत सारे एनआईटीज एमसीए कोर्स करवाते हैं, ठीक है, पर एनआईटी में कोर्स करने का एक क्या डिसएडवांटेज बोलो, फ़ायदा बोलो, आपकी आप जैसे देखे हो वैसे होगा। बट ये 3 साल का कोर्स होता है एमसीए एनआईटीज में, एक ट्रिपल आईटी नया नया लगता आया है, बिकॉज पिछले साल शायद मैंने देखा नहीं, मतलब इसका लिस्टिंग देखा नहीं था, वो है ट्रिपल आईटी भोपाल। एमसीए स्टार्ट कर रही है या फिर उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो है 24 में जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें अच्छा खासा सीट्स है, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी ठीक है आईटी डिपार्टमेंट, आईटी जॉब्स के लिए, सॉफ्टवेयर जॉब्स के लिए, तो वो एक एनआईटी के लिस्ट में आ गया। उधर एडमिशन प्रोसेस में, मतलब एडमिशन के लिए एनआईटी के साथ उसमें एडमिशन होगा। इन जनरल टॉप कॉलेज जो एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटी हैं, उसमें 3 साल का एमसीए कोर्स होगा। और ऐसे कितने साल का कोर्स है एमसीए? 2 साल का। दोनों का सिलेबस में डिफरेंस क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। आपको पैकेज कितना मिलेगा बताऊंगा, बहुत कुछ। तो बेसिक इन्फो में क्या बताया मैंने, एक चीज़ ऐसे बताया, इसका फुल फॉर्म क्या है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिग्री कोर्स है। बीसीए क्या होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इंडिया में इस कोर्स का पॉपुलरिटी ठीक ठाक है, जितना था लगभग उतना ही है। अगर इस कोर्स को बाकी कोर्स से कंपेरिजन करूँगा, बीसीए और एमसीए मार्केट में लगभग बराबर माना जाता है। बट एक बात सच है, बीटेक का और एमसीए का बता रहा हूँ, दोनों लगभग बराबर माना जाता है, ठीक है, बीसीए के बाद एमसीए करते हैं। तो जो एमसीए कोर्स है उसका जो प्लेसमेंट का पैकेज मिलता है कम मिलता है एज कम्पेयर टू बीटेक का प्लेसमेंट, स्पेशली सीएस ब्रांच के बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रांच से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं हम ना एमसीए को, ये आपको दिखाऊंगा भी। अच्छा, इसके बारे में और एक इन्फो है, एडमिशन प्रोसेस में आएंगे, अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। कौन सा एंट्रेंस है? नीम सेट, NIMCET, ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। कैपिटल में लिखोगे तो ठीक है, जिसमें लगभग अभी सीट्स कितने हैं, लगभग 900 के आसपास टोटल सीट्स है। इन कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया, आपका जॉब लेने का चांसेस 80-90% है। एवरेज पैकेज लगभग कितना होगा, 10-12 लाख का होगा आफ्टर 3 ईयर्स, थोड़ा बढ़ेगा, घटने का चांसेस कम है, बिकॉज मार्केट खराब का जो सिचुएशन था लगभग चला गया है, एक साल में पूरा चला जाएगा मुझे लगता है। 2025-26 में काफ़ी अच्छा होगा, 27 में काफ़ी अच्छा डिमांड होगा, तो जो पास आउट होगा 27 में उसके लिए बढ़िया चीज़ हो सकता है आईटी जॉब्स के लिए, बिकॉज जो भी उथल पथल जॉब्स में चल रहा है उसका सेटलमेंट हो जाएगा 26 तक, ठीक है। अच्छा, सिर्फ यही एनआईटी और ट्रिपल आईटी एमसीए कोर्स ऑफर नहीं करती है, बहुत सारे अच्छे हैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, प्लेसमेंट भी ठीक है, 8-10 लाख का पैकेज दिला देते हो और ठीक ठाक हिसाब किताब रहता है। उनमें एडमिशन का प्रोसेस सिर्फ एक है, उन स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, इतना कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो कोई भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, कॉलेज देख लीजिए, आपके स्टेट में कोई कॉलेज है नहीं है, बिकॉज आउटसाइड के बच्चों को, आउटसाइड स्टेट के बच्चों को किसी अलग स्टेट में एडमिशन मिलता नहीं है, मुश्किल से मिलता है, बिकॉज बहुत सरकारी कॉलेज में मिलता नहीं है, बहुत जगह पर ऐसे 10% दे देते हैं सीट, 15% दे देते हैं, अदरवाइज नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको देखना होगा पहले कौन से कॉलेज है, कहाँ आपको एडमिशन लेना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, फिर प्रिपरेशन चालू करना है। इसमें हम आएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन बेसिकली एलिजिबल है इसमें एडमिशन लेने के लिए, क्या आर्ट्स वाले एडमिशन ले सकते हैं, क्या कॉमर्स वाले ले सकते हैं। देखो भाई, जिसके पास मैथ्स है ग्रेजुएशन में वो एलिजिबल है, या फिर स्टैटिस्टिक्स है ग्रेजुएशन में तो एलिजिबल है, साइंस से पढ़ाई किया है एलिजिबल है, बीटेक किया है, हालांकि बीटेक वाला एमसी नहीं करता, एमटेक करता है, वो बोल के फायदा नहीं है, बीएससी किया है एलिजिबल है, ठीक है। आप बोलोगे बीएससी मेरा फिजिक्स ऑनर्स था, मैथमेटिक्स था क्या, तो एलिजिबल होगा, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। आप समझ पा रहे हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। हालांकि कुछ जगह का एलिजिबिलिटी कुछ अलग ही होता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, सबका अलग अलग कहानी रहता है, बिकॉज सिस्टम अलग हो गया इंडिया में, बहुत सारा चीज़ें अलग अलग, कोई फिक्स नहीं है, कोर्स का ड्यूरेशन ही फिक्स नहीं है, 3 साल 2 साल, समझ रहे हो, तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा वो कन्फर्म करने के लिए। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अभी के हिसाब से, अभी जो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, अभी जो रिसेंट चल रहा है वो आपको बता रहा हूँ, वट विल हैपन आफ्टर 2-3 ईयर्स आई डोंट नो, जब कुछ चेंज होगा फिर से वीडियो बनेगा भैया। चैनल को इसे सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बाकी बंदों को पता लगे, वीडियो को शेयर करिए जिसको भी एमसीए पढ़ना है या जानकारी चाहिए इसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है एज ए स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है मुझे क्या करना है लाइफ में, पता होता भी है उसको ये नहीं पता होता है उसका उस फील्ड में कितना अच्छा फ्यूचर हो सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको चाहिए, इफेक्टिव सोल्यूशन जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छा फ्यूचर हो, तो भैया क्या करना चाहिए आपको, मेरे करियर काउंसलिंग सेशन में आना होगा आपको। ये सेशन में आप खुद आ सकते हो, अपने पेरेंट्स को ला सकते हो, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट। बहुत से लोग आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फील्ड के आते हैं, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट कि भैया इतने लोगों को मैं क्या कर पा रहा हूँ, सर्विस दे पा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको यहाँ पर आना है, मतलब मैंने क्या करा है, आपको एक लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, उस पर क्लिक करना है और काउंसलिंग सेशन को बुक करना है। ये 1-to-1 सेशन होने वाला है, वो किसी का फ़ोन आ गया था तो यहाँ पर आते हैं, तो 1-to-1 सेशन है, डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर क्लिक करिए। अभी ऑफर में चला 33% ऑफ है जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, वैसे रेट 1500 है, मतलब इसका कॉस्ट, आप होते हो मैं होता हूँ, मैं अपना पर्सनल टाइम आपको देता हूँ, सच बताऊं से मेरा नुकसान है, बट इसमें जो भी बच्चे आते हैं उनका फ्यूचर बनता है। बहुत सारे बच्चे 4 साल पहले मेरे से कंसल्ट करे थे, सरकारी नौकरी मिल गया, किसी को कुछ फील्ड में अच्छा सक्सेस मिला, दोबारा मेरे को मैसेज आता है, बहुत खुशी मिलता है मुझे उससे। तो यहाँ पर आइए, ये प्राइम मेंबरशिप मेरा जिसमें 12 कोर्सेस हैं, $2500 कोर्सेस है आपको फ्री मिलता है। इसमें एक कोर्स है जिसका नीड सबको है, आप सभी को है, 95% बच्चों को। क्या ऐसा आपने कभी देखा है, आप पढ़ पढ़ के थक जाते हो, मार्क्स कम आता है, सामान्य बच्चा कम पढ़ता है अच्छे मार्क्स आता है, वो सब जो स्ट्रेटजी लगता है उसके पीछे, वो मैंने उस कोर्स में कवर किया है। दैट्स नॉट ऑल, एमसी करने जा रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग तो आना चाहिए, C++। आप बोलेंगे यूट्यूब पर फ्री मिलता है, सच है फ्री मिलता है, बट क्या यूट्यूब पर क्विज मिलता है, क्या असाइनमेंट्स मिलता है प्रॉपर तरीके से मिलता है, क्या उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है, क्या सर्टिफिकेट मिलता है, नहीं ना, इसमें मिलता है आपको। तो जल्दी से काउंसलिंग बुक करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप चाहते हैं सिर्फ वो मार्क्स बढ़ाने वाला कोर्स चाहिए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं, इंडिविजुअली इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में। तो हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट, आता है हमारे पास फीस, छोटी छोटी बात जो यहाँ पर है बातें करेंगे पहले। फीस कितना होता है भाई साहब एमसी करने में, अगर आप एनआईटी से करेंगे 3 साल में लगभग 2 लाख फीस होगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र में दो है, एक सेल्फ फाइनेंस है और एक ऐसे है। सेल्फ फाइनेंस का फीस ज़्यादा होता है, रेगुलर का फीस कम है। ओके, नाउ हम बात करेंगे आपका फ्यूचर स्कोप क्या है एमसीए का। देखो भाई, आईटी फील्ड का फ्यूचर स्कोप काफ़ी शानदार है, बहुत ही अच्छा है। कोई अगर सिंपल ग्रेजुएट किया है, बीएससी किया है,
कंप्यूटर आपका आपका बोल सकते हैं मैथ्स ऑनर्स लिया है या मैथ्स का साइड में समेत था, सोच नहीं पा रहा है क्या करूं मैं, कैसे मेरा अच्छा फ्यूचर बनेगा, तो भाई आप MCA को टारगेट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है MCA कोर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको अपॉर्चुनिटी देगा अगर आपको इंटरेस्ट है IT फील्ड में। तो इतना अच्छा ग्रोथ आपको किसी फील्ड में मिल नहीं सकता है। मेरे साथी जो थे जो कंप्यूटर साइंस फील्ड में गए, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी ब्रांच से, मैं बीटेक किया हूँ, किसी भी ब्रांच से थे, अभी सबके सैलरी एवरेज में 1.5 लाख से अबव है 10 साल के बाद, कई 2.5 लाख 3 लाख इंडिया में कमाते हैं। जो आउट से चले गए, जर्मनी चले गए, US चले गए, कनाडा चले गए, उनका सैलरी छोड़ दो, है ना। मेरे कई स्टूडेंट चले गए बाहर, मतलब रहते हैं न्यूजीलैंड में रहते हैं आपका, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं मेरे कई स्टूडेंट्स, है ना, तो काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं। मैं क्या हूँ इंडिया में, भाई मैं इंडिया में रह के मौज मार रहा हूँ, काहे बाहर जाना है, अपना देश महान। तो फ्यूचर इसको काफ़ी अच्छा है MCA करने के बाद। कई इसके अंदर फील्ड आते हैं कि जो बेस्ट फील्ड मैं आपको बता देता हूँ, डेटा साइंस काफ़ी अच्छा फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा फील्ड है, ये दो फील्ड बेस्ट फील्ड आप इसमें जा सकते हो, बहुत अच्छा फ्यूचर बनेगा। अगर एक फील्ड चूज करना होता, मैं अगर MCA करता तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज करता, बिकॉज उसमें ग्रोथ 10 साल पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, बिकॉज इसके बिना IT कुछ भी नहीं है, ये तो चाहिए चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आसान है पढ़ना के या बहुत डिफिकल्ट है। कहीं भाई साहब बस तेल तो निकल नहीं जाएंगे शरीर से, ऐसा नहीं है, आराम से कर लोगे, एवरेज बच्चे कर लेते हैं ये को, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन में ठीक ठाक कर लिए, आप 70-80% नंबर आ रहे हैं आपके, आप पढ़ना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो, तो भैया इस कोर्स में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, आप बड़े प्यार से कोर्स कर लोगे। और अगर प्रॉब्लम मान लो आपको लगता है मेरे को मार्क्स का प्रॉब्लम है, मैं पढ़ता तो हूँ मार्क्स नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए आपको, तो कुछ नहीं हो, जो मेरा कोर्स बोला मैंने एक, उसमें 3 चीज़ें हैं, अंग्रेजी का प्रॉब्लम, इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चों को लिख नहीं पाते हैं अंग्रेजी की वजह से, आता तो है लिख नहीं पाते, अंग्रेजी ने मार दे दिया भाई हमारे को। उसके बाद कैसे पढ़ाई करना आपको पता नहीं है, कैसे एग्जाम लिखना आपको पता नहीं है, उसका सलूशन मिलता है, उसका कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर ले सकते हैं, 1000+ बच्चे आ चुके हैं उसमें। ये प्रॉब्लम NITs के स्टूडेंट को होता है, IITs के स्टूडेंट को होता है, वो भी उस कोर्स में है, सीखे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैंने कहाँ से पता लगाया, बिकॉज मेरे को सेम प्रॉब्लम था, तो आई हैव क्रैक द कोड, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, एंड आफ्टर दैट आई टॉप 6 टाइम्स इन माई ब्रांच कंसेक्यूटिवली, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर बेकार, कोई जानता नहीं था मुझे, सडनली फ्रॉम 3rd semester ऑनवर्ड 8th semester आई टॉप 6 टाइम्स, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, MTech में काफ़ी बार टॉप किया। सो बिकॉज ऑफ वट आई हैव लर्न इन दोज मंथ्स, आई मस्ट से दैट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आई हैव इम्प्लीमेंटेड सच लर्निंग, सच स्ट्रेटजी, एंड गॉट द रिजल्ट। And I have shared the same strategy in the program. Even I have shared same strategy with my students where I taught basically from 2012 to 2017. There are so many students top in university after that, because it's really matter what I taught in that course or program. So आप उसका फायदा उठा सकते हो, link description में। Next हमारे पास आता है सैलरी कितना मिलता है। तो भाई साहब सैलरी का पैकेज का हम पहले स्टार्ट करेंगे थोड़े गुड न्यूज़ से, स्टार्टिंग पैकेज से। यहाँ पर आते हैं, ये हमारा पेन ड्राइव है, ब्रांच है, MCA है, तो सैलरी कहाँ गया, NIT कुरुक्षेत्र का देखते हैं पहले इसका पैकेज कितना है। तो MCA चलते हैं, MCA का देखो, NIT कुरुक्षेत्र का 15 लाख हाइस्ट पैकेज है, और 9.5 लाख क्या है इसका एवरेज पैकेज है इसका, किसका, MCA का, ठीक है। अच्छा, और एक आते हैं हमारे पास जो मैं आपको दिखा रहा था, वो का आपका है NIT वरेंगल, इसका हम पैकेज देखेंगे, MCA कितना पैकेज है, और उसका देख कोशिश करेंगे हम जानने का कि भैया कितना हिसाब किताब रहता है इसका, किस क्या क्या हिसाब किताब रहता है, कि कितने एवरेज पैकेज मिलता है और कितने हाइस्ट पैकेज मिलता है, ठीक है। MCA का कहाँ है देखना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सब डेटा है, मतलब क्या है, इसमें कोई इधर उधर की ये एक का दुक्का बातें नहीं है भाई, ये पूरा रियल डेटा है, ये MCA है, देखो कोर्स यहां पर देख पा रहे हैं आप, वो देखो पिस साइड MCA कोर्स आपके सामने है, ठीक है जी, यहाँ पर देखिए
कितने परसेंट बच्चों का जॉब लगा है देखेंगे, 96% बच्चों का जॉब लगा है, ये NIT वरेंगल है। एवरेज पैकेज कितना है, 14 लाख है, 14 लैक्स है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 38.5 लाख है, 38.5 लैक्स। मेरे को याद आ रहा है जब 2021-22 में थोड़ा ज़्यादा था, लगभग 44-45 लाख था हाईएस्ट पैकेज MCA का किसी एक कॉलेज का, तो ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट एवरेज पैकेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है, वही है 14 लाख 13 लाख 15 लाख का एवरेज पैकेज है। इमेजिन करिए, आपको पता ही होगा अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो कितना पैसा मिलता है, ये कहने तो बोलते हैं 15 लाख। आप अपने घर के आसपास देखिए कितने लोग 50,000 पर मंथ कमाते हैं, वेरी फ्यू, अगर आप Tier 3 सिटी में या फिर गांव में रहते होंगे। हार्डली आपके गांव के 10% बंदे अच्छे पैसे कमाते होंगे, बाकी 90% ऐसे ग्रुप ग्रुप में बैठते हैं, पॉलिटिक्स की थोड़ी बातें होती है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। बच्चे क्या करते हैं, अपने गांव के चौराहे में बैठते हैं, गेम खेलते हैं, कहीं भाई साहब मैं काफ़ी ज़्यादा घूमता रहता हूँ, कहीं देखा मैंने बांस के बनाते हैं ऐसे टेबल टाइप का, उधर बैठ जाते हैं, गप्पे मारते हैं, और फिर क्या मतलब वो इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं, चलो क्या बोलना है, ठीक है, जो अपनी जपनी सब सबका अपना लाइफ है यार। अच्छा, कंपनीज देखो कौन कौन से कंपनीज इनको हायर करती है, आप देखेंगे तो मज़ा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एमडॉक्स, जेनपैक्ट, उसके बाद ध्रुवा, क्लाउड एंगल्स, EXL, उसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी अच्छा कंपनी है, उसके बाद JL टेक्नोलॉजीज, ये बेसिक सिटी बैंक, ये सारे कंपनीज इनको MCA वाले बच्चों को हायर करी हुई है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सिलेबस की बात करें तो मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा दो तरह का, एक सिलेबस दिखाऊंगा आपका 2 ईयर्स प्रोग्राम में सिलेबस क्या होता है, एक सिलेबस दिखाऊंगा आपका 3 ईयर्स प्रोग्राम में सिलेबस क्या होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो पहले 2 ईयर्स प्रोग्राम देखते हैं, ये आई थिंक रांची का यूनिवर्सिटी है कोई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यस श्यामा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, अपग्रेडेशन ऑफ रांची कॉलेज, रांची कॉलेज काफ़ी पॉपुलर है, मैं गया हूँ, ठीक है। रांची कॉलेज के पास काफ़ी कुछ घूमने का है, मछली घर है, उसके बाद एक नक्षत्र वन है, आप रांची से हैं क्या बताना जरा सा, लालपुर है उधर, मैं खाना मतलब लालपुर चौक के पास 2-3 दुकान थे, मेरे को याद नहीं है दुकान का नाम क्या, उधर रसगुल्ले अच्छे मिलते थे खाने में, मज़ा आता भाई साहब। खैर, यहाँ पर आ जाइए, बात करेंगे अब आपका सिलेबस का, भाई सिलेबस कहाँ गया इतना लेट, सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में ये आप सिलेबस देख लीजिए, मैच करा लेना NIT के सिलेबस के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++, DVMS, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, मतलब ये तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो गया, फिर लैब्स आ गया, ठीक है। अच्छा, ये बंद बुंद नहीं हो गया कैमरा ना, ठीक। सेकेंड सेमेस्टर हमारे पास क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे विद ग्राफ थ्योरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑटोमेटा, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जावा प्रोग्रामिंग, .NET प्रोग्रामिंग, लैब ऑन HTML, CSS, केस टूल्स, लैब ऑन आपका नेटवर्किंग। थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, देखो इनमें से एक लिया जाएगा एडवांस जावा और .NET प्रोग्रामिंग, फिर कंपाइलर डिजाइनिंग, PHP, जावास्क्रिप्ट, jQuery प्रोग्रामिंग, एनालिसिस एंड डिजाइन एल्गोरिदम, इनमें से एक पढ़ाया जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा हार्वेस्टिंग और डेटा माइनिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, इनमें से कोई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो भी कॉलेज वाले का मर्जी है भाई, ये प्रैक्टिकल इनमें से एक, फिर दोनों प्रैक्टिकल मिनी प्रोजेक्ट। एंड फोर्थ सेमेस्टर हमारे पास क्या है, इनमें से एक पढ़ाया जाएगा पैटर्न रिकॉग्निशन है, AI है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ML है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, इनमें से काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं भाई। फिर आपका लैब्स होगा एंड मेजर प्रोजेक्ट होगा, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया भाई साहब MCA 2 साल कंप्लीट। अभी मैं कुछ चीज़ें बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, देखा अभी ख़त्म नहीं हुआ है कहानी, अभी शुरू हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बताना है मुझे। अच्छा, ये हो गया आपका NIT वरेंगल का हम सिलेबस देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ये भी जानना बहुत जरूरी है NIT वाले क्या सिलेबस देते हैं, ठीक है। NIT का सिलेबस, हाँ, ये पहला सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, फाउंडेशन कंप्यूटर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट एनिमेशन, ये सिखाते हैं बेसिकली, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, वेब टेक्नोलॉजीज, जॉब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये सिखाते हैं।
ये हो गया आपका सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब थर्ड सेमेस्टर हो गया। डेटा से वहाँ पढ़े थे, पढ़े थे। ऑपरेशन वहाँ पढ़े थे, पढ़े थे। सॉफ्टवेयर यहाँ पढ़े थे, पढ़े थे। कम्युनिकेशन ये नहीं पढ़े थे। एडवांस डेटाबेस नहीं, उधर आप खाली DBMS पढ़े हो, ये DBMS पढ़े हो आप। डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़े थे अपने, डेटाबेस सिस्टम उधर पढ़े थे। तो सिलेबस जो आप देखोगे बहुत मैच करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उधर नहीं पढ़ा आपने शायद। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ गया, एल्गोरिथम एनालिसिस, ये एक एक जो सब्जेक्ट है एक एक डिपार्टमेंट है। आप YouTube पर सर्च करोगे मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा जो वीडियोज आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर। काफ़ी बच्चों ने देखा, 40,000 बच्चों ने देखा, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वो। अच्छा, पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया। नाउ हमारे पास है फिफ्थ सेमेस्टर में इलेक्टिव क्या क्या है, मैं आपको दिखा दूंगा। क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी आपने देखा था वहाँ पर, IoT लैब्स आ गया, ML आ गया, देखा था आपने। एंड यहाँ पर क्या है डिसर्टेशन वर्क क्या होता है ये समझाऊंगा आपको। इधर आप देखिए यहाँ पर इलेक्टिव कोर्सेस हैं, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्टिव कोर्सेस, सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर इलेक्टिव कोर्सेस, थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ये इलेक्टिव कोर्सेस, इनमें से चूज किया जाएगा। ये जो कोर्सेज इनसे चूज किया जाएगा, जो बताया था मैं डिसर्टेशन, ये क्या होता है भाई साहब, थेसिस होता है। आपको काइंड ऑफ रिसर्च वर्क करना होता है, पूरा 6 महीने का होता है। तो जहां पर 2 ईयर्स का कोर्स है उधर डिसर्टेशन नहीं था, मेजर प्रोजेक्ट था, काइंड ऑफ छोटा बीटेक में छोटी, जो आपने बीटेक नहीं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइप का बोल सकते हो। डिसर्टेशन काफी बड़ा होता है, रिसर्च होता है, पेपर पब्लिश करना होता है, अगर अच्छी जगह पढ़ रहे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6 महीना उसमें आता है, तो क्या होता है 6 महीने तो लगता नहीं है, 2-3 महीने काम हो जाता है वो। बाकी टाइम क्या करोगे, बाकी टाइम भैया NIT कैंपस में रहते हैं, काफ़ी फैसिलिटीज लेते हो, रिसोर्स लेते हो, क्लब्स के फायदा लेते हो, और आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है प्लेसमेंट के लिए, ये फायदा मिलता है। 2 ईयर्स MCA और 3 ईयर्स MCA में क्या डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस तो है, ये आपको पता है, मुझे ही पता है, बट मेन डिफरेंस क्या है भाई साहब, प्लेसमेंट। वो 3 ईयर्स में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं कैंपस में रहने के लिए, उसे बहुत कुछ सीखते हो, फायदा मिलता है। लेकिन NIT मिल रही है तो क्या करोगे, किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ जरूर सकते हैं, अच्छा फ्यूचर जरूर बना सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट एट ऑल, बस आपका एफर्ट डालना है। सिलेबस आपने देखा 80% सिलेबस मैच करता है, बिकॉज यू विल स्टडी 2.5 ईयर और इधर 2 साल आप पढ़ोगे, तो भाई साहब 5 सेट का डिफरेंस तो होगा ही। बाकी देखा आपने 80% सिलेबस मैच करता है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स जॉब के दौरान आपको इतना प्रॉब्लम तो आएगा नहीं। तो अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अच्छे कॉलेज देखो, एडमिशन लो अगर आपको इंटरेस्ट है IT में। तो अगर नहीं है इंटरेस्ट तो भाई MBA ट्राई कर सकते हो, प्रोफेशनल कोर्स वो भी है, उसके लिए भी एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करो, बना दूंगा वीडियो। अच्छा, अगर मान लो आप NIT से नहीं पढ़ते, एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हो, तो कितना आपका पैकेज लगेगा भाई, देखो 2 लाख लग जाएगा, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, डिपेंड करेगा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कुछ कॉलेज इंडिया में जहां से पढ़ोगे आप, तो हो सकता है 7-8 लाख का, 10 लाख का पैकेज मिले, NIT के बराबर का पैकेज मिल जाए आफ्टर कंप्लीटिंग MCA, इवन 2 ईयर्स MCA की बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसे हैं। बट उसके नंबर्स जो हैं बहुत कम है, नॉट दैट मेनी बेसिकली इन इंडिया। सो फाइंडिंग आउट दोज इंस्टीट्यूट्स, दैट इज योर वर्क, बिकॉज द प्लेसमेंट सिनेरियो इज वेरिंग एवरी ईयर। इफ यू आर सीइंग सच गुड कॉलेज टूडे, मे बी आफ्टर 2-3 ईयर्स यू विल सी सम डिजास्टर थिंग्स हैपनिंग इन द मार्केट सिचुएशन, सो द प्लेसमेंट विल गेट्स डाउन, दैट इज पॉसिबल, नो प्रॉब्लम इन दैट केस एट ऑल, राइट। सो जो आपको बताया था मैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फील्ड्स आपको बताया मैंने, इसके बाद इन जनरल स्टूडेंट्स में आते हैं, सॉफ्टवेयर आपका टेस्टिंग हो गया, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, आपका एनालिटिक्स हो गया, आपका डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, आपका AI इंजीनियर हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपका। DevOps में लोग जाते हैं, Agile में जाते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गया आपका, फुल स्टैक डेवलपर हो गया आपका, समझ रहे हो। ओके, नाउ हम बात करेंगे 2 और चीज़ के बारे में, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसा है, बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल है। आप जाते हैं इस रूम में काम करते हो, बस दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। जिसको मज़ा आता है काम करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको मज़ा नहीं आ रहा भाई प्रॉब्लम तो आएगा। तो मज़ा आएगा नहीं आएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई कितना प्यार है आपको कंप्यूटर से और प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बाय यूजिंग लैंग्वेजेस और एल्गोरिथम्स,
अगर वो चीज़ है देन इट इज़ रियली गुड फॉर यू. दिस इज रियली रियली गुड, आई मीन गुड फील, आई मस्ट से दैट. वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड इन इंडिया फॉर इवन इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड फॉर गेटिंग वेरी गुड हाई पैकेजेस, राइट. सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस प्रोग्राम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. दैट कैन डेफिनेटली चेंज योर फ्यूचर इवन योर नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर इफ यू डू इट प्रॉपरली. इफ यू हैव proper resources, proper guidance, I must say that is most important in today's generation, right. Now, अगर आप job opportunity की बात करेंगे तो हमारे पास private jobs तो बहुत कुछ है. अगर आप Google पे अभी search करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ दो jobs profile जो बताया मैंने आपको, जो top notch job profiles बताया आपको मैंने. Just go to Google and you can search by yourself only. So, यहाँ पर हम search करेंगे software jobs, right. Software jobs in India. So let's search it. Now what you will see basically 1,24,000 jobs are listed and new jobs about 6,000 in India, right. Agar aap aate hain kahan par, if you see, if you search, right, so data scientist, one of the most amazing field, one of the most shouting field after, I mean it is like software engineering, you can say that, right. If you compare with demands for both the field, almost same. So it is here 1,24,000 and it is about 6,786 new jobs listed. It is almost same, right. So itna agar jobs available hai market mein, so if you have skills and right degree with very good percent for first scrutiny, right, for shortlisting purpose, after the skill will come, then definitely my skill is really really important, right. अच्छा, नेक्स्ट हमारा सरकारी जॉब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या ऑप्शन है. जितने भी आपके पास एनी ग्रेजुएट ऑप्शन है सब दे सकते हैं इवन आफ्टर बीएससी. बट एमसी के बाद क्या होता है, जहां पर बीटेक वाला एलिजिबल हो जाता है, बीटेक सीएससी वाला एलिजिबल हो जाता है, उधर एमसी वाला भी एलिजिबल हो जाता है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं आपके. सो यू कैन गो फॉर पीएसयूज, इवन यू कैन गो फॉर टीचिंग जॉब्स, राइट, एज ए कंप्यूटर टीचर विदाउट बी एड डिग्री. दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, राइट. इफ यू विल रीड इट यू विल गेट इट. सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच वॉच मी टू द एंड. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. और क्या करिए भाई साहब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए सब्सक्राइब करिए. और जो सेशन जो बताया मैंने आपको प्राइवेट सेशन का और इंग्लिश का प्रॉब्लम का, दोनों कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड इंग्लिश कोर्स में कूपन कोड दे रहा हूँ आपको, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, उसका फ़ायदा जरूर उठाइएगा, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.